The trailer of the movie 31st October that depicts the true story of the acutely distressed 1984 riots, where religion played a lead role, has been released. This film will see Soha Ali Khan and Veer Das in key roles. This film is about a Sikh family that got trapped in a riot-affected part of Delhi during the anti-Sikh riots after the death of Indira Gandhi in 1984. But how this film came into the making and what its plot, here is Veer Das revealing all. I think it's a very small story. ये मैं बार बार कहूंगा क्योंकि जब एक इतना बड़ा दिन होता है ये पांच लोगों का परिवार है इनको समझ में नहीं आया था कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था क्यों हुआ था क्या हो रहा था उनको बिग पिक्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम था उनको बस मालूम था कि हम तिलक नगर में रहते हैं और तिलक नगर से 6 किलोमीटर दूर रायट्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पर सेफ्टी है तो उनकी उनका जो पूरा संसार था पूरा वर्ल्ड था वो बस 6 किलोमीटर का था ये फिल्म 24-36 घंटों की कहानी है और ये जो पांच लोग सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे आई थिंक हाँ एक बहुत डार्क डे है इंडियन हिस्ट्री में लीगल सिस्टम में डेफिनेटली लूप होल्स हैं लेकिन अगर लोग आके इस फिल्म को देखकर एक छोटी की फैमिली की कहानी को समझे और कैसे पूरी कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम ने इस फैमिली की मदद की और उससे थोड़ी खुशी मिले देन दिस फिल्म हैज अचीव्ड व्हाट इट सेट आउट टू अचीव The movie got an official screening at the London Indian Film Festival on 18 and 20 July 2015 and was well appreciated there. Directed by National Award-winning filmmaker Shivaji Lotan Patil, 31st October will be releasing on 7th October this year.